को मेरी शादी की डेट फिक्स की गई। तो इसी रीजन की वजह से बाबा गए हैं गुरुजी के पास डेट फिक्स करने के लिए। और ये इतनी खरीदी हो चुकी है, लेडीज की आधी खरीदी हो चुकी है, लेकिन आधी खरीदी अभी बाकी है। इतने खरीदी के लिए मम्मी और नानी ने लगभग 1.5 घंटा लगाया। अभी इतना मटेरियल गाड़ी में डालना है, ऑलरेडी गाड़ी की डिक्की पूरी पैक है। अब ये कैसा तो एडजस्ट करके हम लोगों को पैक करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है जी, सुबह के बज रहे 7:22 और आज तारीख है 1 जनवरी 2023। अभी तक उस साल से बाहर नहीं निकला हूँ मैं, लेकिन निकलना पड़ेगा जल्दी। तो नए साल की आप लोगों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जो कुछ आप लोगों ने 2023 के माइलस्टोन्स ये किए, माइलस्टोन्स रखते हैं ना हम लोग नए साल के, तो वो आप लोग कंप्लीट कर पाओ और आप लोगों के लाइफ में धन समृद्धि और जो कुछ आप लोगों के ड्रीम्स हो वो आप लोगों के कंप्लीट हो, ऐसे ही मेरी भगवान से दुआ है। और अभी थोड़ी सी बात करते साल 2022 के बारे में। 2022 जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने 2022 के स्टार्टिंग में सोचा था कि मैंने भी कुछ माइलस्टोन्स रखे थे जो कि मुझे 2022 खत्म होते होते कंप्लीट करने थे। मैं उसकी ओर बढ़ रहा था, उसके लिए मैंने कोशिश भी की, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं वो माइलस्टोन्स कंप्लीट नहीं कर पाया या मैं उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पाया। तो 2022 का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। 2022 के स्टार्टिंग में हम लोगों ने सैंडन वैली रोड ट्रिप की। सैंडन वैली रोड ट्रिप के बाद हम लोगों ने मेरी ड्रीम रोड ट्रिप यानी कि जो कि थी लद्दाख रोड ट्रिप सीरीज, और लद्दाख रोड ट्रिप सीरीज के लिए हम लोग निकल पड़े। लद्दाख रोड ट्रिप सीरीज के अंदर ही हम लोगों ने मेरी प्री वेडिंग वीडियो शूट की, और प्री वेडिंग वीडियो को आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काफ़ी सारे व्यूज आए थे, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मुझे, और वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने मॉनसून रोड ट्रिप की। मॉनसून रोड ट्रिप को भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मॉनसून रोड ट्रिप के बाद मैंने कुछ अलग करने की सोची, कुछ क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप सीरीज या हिस्टोरिकल रोड ट्रिप सीरीज निकालनी सोची। और उसके लिए मैंने एक इंसान को चूज किया, वो थे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके लाइफ के ऊपर मैंने एक रोड ट्रिप सीरीज बनाने का सोचा। उन्होंने जितने जीते हुए फोर्ट्स थे जो कि उनके इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे, उनके जन्म से लेकर तो उनकी मृत्यु तक मैंने 19 फोर्ट्स निकाले थे, तो उन फोर्ट्स को कंप्लीट करते करते मैं आपको उनकी स्टोरी नरेट करने वाला था। तो इस रोड ट्रिप सीरीज में मैंने 5 फेजेस में डिवाइड की थी ये वाली रोड ट्रिप सीरीज। हम लोगों ने उसमें से 2 फेजेस कंप्लीट भी किए थे, और ऑलरेडी मैंने 7 एपिसोड्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। लेकिन ये रोड ट्रिप सीरीज जब मैं कर रहा था, शूट कर रहा था, उसके प्रोसेस में था, तो मुझे एक बात पता चली, जितने व्यूज मेरे पुराने ट्रैवलिंग व्लॉग्स को आते थे या मेरे बाकी के व्लॉग्स को आते थे, उतने भी व्लॉग्स ये वाली रोड ट्रिप सीरीज नहीं ला पाए। तो इससे मुझे एक बात पता चली कि अभी के जो अभी का जो इरा चल रहा है, इस इरा में लोगों को सिर्फ ड्रामेटिकल कंटेंट देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को क्वालिटी कंटेंट देखने में, मतलब क्वालिटी कंटेंट देखने वाले लोग भी है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं क्वालिटी कंटेंट लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन ड्रामेटिकल कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे लोग, और अपने को ड्रामा करना नहीं आता। लेकिन मैंने यही डिसाइड किया कि 2023 में मैं थोड़ा सा ड्रामेटिकल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ये मेरा 2023 का एक माइलस्टोन रहेगा। मैं आप लोगों को डेली व्लॉग्स प्लस फैमिली व्लॉग्स प्लस ट्रैवलिंग व्लॉग्स ऐसा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके आप लोगों तक परोस पाऊँ, क्योंकि मैंने खुद से ये फील्ड सेलेक्ट की थी बाबा मम्मी से बात करके, और ऑलरेडी 2 साल से मैं इस फील्ड के लिए काम कर रहा हूँ। मैं काफ़ी कुछ सीखा, और उसी एक्सपीरियंसेस को लेकर 2022 में मैंने जितना कुछ सीखा उसको मैं 2023 में अप्लाई करना करूँगा, और जितने कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे उसको भी मैं 2023 में अप्लाई करूँगा। और 2023 खत्म होते होते देखते हैं अभी शायद मैं मेरा माइलस्टोन कंप्लीट कर पाऊँ।
तो हम लोग अभी है शोलापुर में, सुबह हम लोग 7 बजे निकले थे तेरखेड़ा से और हम लोगों ने अभी तक 121 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और कार ने 121 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना 25.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है और हाईवे पे तो मैंने चेक किया, हाईवे पे MID दिखा रहा था 27.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो आप लोगों को फंडा बताता हूँ एक, ये जो आप लोगों को इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वाला जो बीच में कॉलम दिख रहा है, इसको सिर्फ फुल रखने की कोशिश करना है और 2 RPM के ऊपर नहीं जाना है, बस यही फंडा है ताबड़तोड़ माइलेज निकालने का। तो हम लोग तेरखेड़ा से सोलापुर इसलिए आए थे कि इस महीने के 18 तारीख को मेरी शादी की डेट फिक्स की गई है। तो इसी रीजन की वजह से बाबा गए हैं गुरुजी के पास डेट फिक्स करने के लिए। जैसे ही बाबा आते शादी की फुल टू तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और आज हम पूरी फैमिली निकले चरचन शादी का बस्ता खरीदने करने के लिए। बस्ता बोलते हैं ना उसको, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, बस्ता। शादी का बस्ता खरीदे करने के लिए हम लोग निकले चरचन को। पहले नहाने का प्लान था सूरत जाने का। वो थोड़ी अलग स्टोरी थी। अभी हम लोगों ने सूरत को कैंसिल करके चरचन को फिक्स किया है। सोलापुर से नाश्ता वगैरह करके चरचन के लिए निकले। और चरचन को तुम कितने साल बाद जा रहे? कम से कम 12-15 साल के बाद जा रहे। नानी भी 12-15 साल बाद जा रहे हैं ना? हां, शादी को 12 साल हो गए। तो नानी और मम्मी जब चरचन जाया करते थे तब का चरचन अलग था बाहुबली मुद्दीन, और अभी का चरचन एकदम चेंज हो चुका है। तो वहां पे जाके इनकी रिएक्शन देखते पहले क्या रहते। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी चरचन बाहुबली मुद्दीन। तो ये आप लोगों को जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है बाहुबली मुद्दीन का होलसेल मार्केट। और चरचन सिर्फ बाहुबली मुद्दीन के नाम से ही चलता है। और मम्मी ने और नानी ने दूर से ही, मैंने उन लोगों को बिल्डिंग दिखा दी थी, बिल्डिंग देखते ही उनके रिएक्शन कुछ अलग थी। कैसा लग रहा है मैं अभी देख के? एक नंबर। 12 साल बाद आए हम। जब 12 साल पहले जब ये लोग आते थे इतना बड़ा बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसा इतना बड़ा, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं। कैसा था तब के टाइम पे? ऐसा बहुत छोटा था एक, और जाने का रास्ता बाड़ा टाइप था शायद ना। और सांस लेने खिड़की, एक भी खिड़की नहीं थी। अभी अंदर से देख, डायरेक्टली मम्मी तुम मेरा बस्ता बनने के लिए आई थे यहाँ पे। ये अभी हम लोग है फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पूरा लेडीज वेयरिंग के लिए है। यहाँ पे मम्मी और नानी अंदर खरीदी कर रहे हैं और ये इतनी खरीदी हो चुकी है, लेडीज की आधी खरीदी हो चुकी है लेकिन आधी खरीदी अभी बाकी है। इतनी खरीदी के लिए मम्मी और नानी ने लगभग 1.5 घंटा लगाया और मैं और मोगू सिर्फ सामान की रखवाली करने के लिए बाहर रुके। तो अभी हम लोग है सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आधा सेक्शन मेंस का है, ये पूरा सेक्शन मेंस के लिए बनाया गया है और ये वाला आधा सेक्शन लेडीज़ के लिए दिया गया है। तो हम लोगों का लेडीज़ का तो पूरा लेकर हो गया है और ये यहाँ पे दूल्हे के लिए जो कुछ वेयरिंग रहती है वो वहाँ पे स्पेशल वेयरिंग दूल्हे के लिए। तो अभी हम लोगों ने टी शर्ट्स वगैरह खरीदी किए। ये सेकेंड फ्लोर है, पूरा मेंस के लिए आधा डिवाइड किया गया है और वुमेंस के लिए उधर आधा डिवाइड किया गया है। लेगिंग्स वगैरह जो रेडीमेड कपड़े रहते हैं वो उधर है और ये मेंस के लिए कट पीस वगैरह इसके पीछे है। लेडीज पूरा खत्म हो गया ना अपना, अभी सिर्फ मेंस होगा क्या होगा। कितने बज रहे हैं अभी? 3:27 हो रहे हैं। अपन आए कितने बजे थे? 12 नहीं, ए नहीं 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 12:30 बजे आए थे अपन। लेडीज में हम लोगों का आधा टाइम घुस गया। हम सभी दोस्तों के कुर्ते मिल गए, उनके साइजेस मिल गए, लेकिन गजू की साइज यहाँ पे नहीं मिल रहे। लिटरली मून भैया ने कहा कि चिल्ड्रन सेक्शन में जाके देखो। तो गजू तुझे अपनी तबीयत बढ़ानी पड़ेगी, तुझे चिल्ड्रन सेक्शन में के कपड़े लेना पड़ रहा है।
फाइनली शाम के बज रहे 6:30, हम लोग यहाँ पे आए थे 12 बजे। अभी इतना मटेरियल गाड़ी में डालना है, ऑलरेडी गाड़ी की डिक्की पूरी पैक है, अभी ये कैसा तो एडजस्ट करके हम लोगों को पैक करना पड़ेगा। ये माल प्लस 4 बंदे बैठने, सोलापुर में 1 बंदा माइनस हो जाएगा। और ये हम सब लोगों की हालत। सिर्फ बाहुबली मुत्तिन के शॉप में ही मैंने आज के आज में 3 किलोमीटर वॉकिंग कर लिया, 3,950 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए मैंने आज। नानी तेरी तो डेली से ज्यादा वॉकिंग हो गई। आज नानी का डबल ट्रिपल वॉक हो गए। शादी का हमने लिए थे उस टाइम कितने अपने बारे में पकड़ भी थे। देखा था बता पसंद है। हाँ बार वो देखा। सवारी के लिए। हाँ हाँ दूसरा का। हाँ। ये सुंदर है। क्या पंचिला ही सांग इसपे कलर। नंबर एक। हाँ जी जी। ये पर नंबर एक है।